तो फाइनली गाइस आ चुके हैं सनी देओल की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गदर 2 के एक और न्यू एपिसोड में वापस। तो डे नंबर 38 6th ऑफ संडे भाई, आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, वो रहने वाला था क्योंकि अभी तो भाई कंप्लीट लगभग हो ही चुका है, जो कि यस्टरडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि वो तो गाइस कंप्लीट है, वो हो चुका है कब का। तो भाई इन वीकेंड में यानी फ्राइडे सैटरडे संडे को हमें लगा था कि भाई ये धमाकेदार बॉक्स ऑफिस में धमाका करेगी एंड गदर भाई गदर मचाएगी। तो क्या भाई इसने गदर मचाया है या फिर नहीं, एंड साथ में भाई डे नंबर 39 की बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई गदर ने गदर मचाया है या फिर नहीं इसकी बात करें, उससे पहले भाई इंडिया ने आज जो गदर यहाँ पे मचाया है भाई, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो मैच हुआ भाई एशिया कप का, और वहाँ पे भाई क्या गेम हुई यार, आज पता ही नहीं चला कि भाई कब मैच स्टार्ट हुआ और कब सडनली ख़त्म भी हो गया। एंड कुछ ने तो भाई अपना टीवी ऑन किया होगा, चलो मैच देखते हैं, और तब देखा कि भाई श्रीलंका की फर्स्ट इनिंग है वो तो ख़त्म हो गई है और इंडिया यहाँ पे बैटिंग करने आ रहा है। एंड सिराज वेल डन यार, सिराज क्या बॉलिंग की है यार बंदे ने। तभी भाई शमी को पीछे रखा गया एंड सिराज को भाई आगे रखा गया, जो कि शमी यार सीनियर है एज अ कंपैरिजन टू भाई सिराज, बट अब भी सिराज जिस तरह भाई बॉलिंग कर रहे हैं अनबिलीवेबल यार, कोई वर्ड नहीं है उनके लिए। एंड बाकी भाई आज इंडिया ने वहाँ पे गदर मचाया, तो क्या भाई बॉक्स ऑफिस में गदर मचा रही है गदर। देखो इंडिया ने भाई एक मौका दिया यहाँ पे कि आप जल्दी जल्दी मैच खत्म करो एंड थिएटर में भाई गदर भी गदर मचाए अपना, गदर नहीं भाई जितनी मूवीज चल रही भाई सभी गदर मचाएं बॉक्स ऑफिस में। तो भाई बेनिफिट तो डेफिनेटली हर एक मूवी को मिलेगा आज जो मैच इतनी जल्दी ख़त्म हुआ है। हाँ अब 1,20,00,000 की फिगर आएगी, कोई 1,15,00,000 की आएगी, अब आप बोलोगे ना यार एक करोड़ पंद्रह की आती है मैच पूरा भी होता, बट ऐसा नहीं होता, नंबर्स तो कम भी आते, बट अब तो यहाँ पे प्रूफ तो होगा नहीं, नंबर्स भाई उतने ही आएंगे अब जितने हैं। तो सीधा भाई डायरेक्टली सबसे पहले नंबर्स की ही बात करते हैं, ओक्युपेंसी पर नजर डालते हैं, सिटी बाई ओक्युपेंसी पर नजर डालते हैं एंड कंपैरिजन टू करेंगे भाई 5th ऑफ फ्राइडे के साथ। लेकिन उससे पहले गाइस अभी तक इसका कितना क्वेश्चन गाइस वो हो चुका है, और अभी तक इसका क्वेश्चन गाइस हम फ्राइडे एंड सैटरडे का अर्ली एस्टिमेट्स के हिसाब से चल रहे हैं, तो 518.58 करोड़ का अभी तक हो चुका है डे नंबर 37 तक। ठीक है, बात करते हैं अब आज के भाई, उससे पहले शोज पर नज़र डालते हैं। शो इसने भाई पूरे के पूरे अपने रिकवर हैं गाइस वो कर लिए हैं जो फ्राइडे के ड्रॉप हुए थे। 915 शोज थे डे नंबर 35 यानी कि थर्सडे के दिन, एंड फ्राइडे को हुए 870 शोज, थोड़े शो ड्रॉप हुए, एंड नेक्स्ट गाइस आज के दिन शोज हैं इसके पास 920 प्लस, यानी 5th ऑफ वीक जब इसका समाप्त हुआ उसी दिन उसके मुकाबले भाई आज संडे के दिन शोज है वो ज़्यादा हैं, एंड कंपेरिजन टू भाई 5th वीकेंड भाई उसके मुकाबले तो काफ़ी ही ज़्यादा शोज हैं इसके पास, और बिग जंप है गाइस शोज ने लिया है। एंड ओक्युपेंसी पर नजर डालते हैं, कंपेरिजन करेंगे यहाँ पे 5th ऑफ फ्राइडे के साथ एंड साथ में यस्टरडे का भी। ठीक है, आज की ऑक्युपेंसी की बात गाइस तो यहाँ पे सुबह की रही 25%, जो गाइस कल सुबह मॉर्निंग की रही थी 14, जो कि 5th ऑफ फ्राइडे की रही थी 20%। भाई दोनों डेज में जंप है, कल का तो छोड़ो आप यस्टरडे का यार, उसका कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे हम, सीधा 5th ऑफ फ्राइडे के साथ करेंगे, क्योंकि 5th ऑफ फ्राइडे को इसने क्वेश्चन किया था 1.05 करोड़, और 5th ऑफ फ्राइडे के मुकाबले बाद आज 6th ऑफ संडे में इसके पास शोज ज़्यादा हैं। आफ्टरनून की आज की ऑक्युपेंसी रही 48, जो कि फ्राइडे के दिन रही थी गाइस 36, बिग जंप है गाइस वो देखने को मिला है, और इवनिंग की 53 आज रही, जो कि उस दिन रही थी 43 भाई, और यहाँ पे भी जंप है गाइस वो देखने को मिला, जो कि शोज मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया यहाँ पे ठीक ठाक जंप हुए भाई, ठीक ठाक नहीं भाई काफ़ी ज़्यादा जंप हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। सिटी बाई पर नजर डालते हैं भाई, 64 शोज हैं मुंबई के अंदर, एंड आफ्टरनून की गई 46 और इवनिंग की गई 52, जो कि मैंने आप सभी को इससे पहले जो यहाँ पे हमारा गदर का एपिसोड था मैंने आप सभी को स्क्रीनशॉट दिखाए थे कि वहाँ पे किस तरह रिस्पॉन्स का सिटी बाई मिल रहा है, जो कि अभी यहाँ पे ऑक्युपेंसी का इसमें दिख भी रही है, जो कि 59 शोज में 22 गई थी 5th ऑफ फ्राइडे के दिन भाई, काफ़ी ही ज़्यादा जंप है गाइस वो इसने लिया, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। और एनसीआर में 115 शोज में आज 55 गई भाई आफ्टरनून की एंड 64 गई इवनिंग की, मैंने शोज दिखाए थे भाई इससे पहले वाले एपिसोड में, और देखो यहाँ पे ऑक्युपेंसी ने बिग जंप है गाइस वो लिया, सॉलिड ऑक्युपेंसी, जो कि फ्राइडे के दिन भाई 112 शोज थे, आज शोज भी इंक्रीज हुए एनसीआर में, जो कि उस दिन गई थी भाई इवनिंग की 38 भाई आज 64, डबल से थोड़ी सी ही कम है। एंड पुणे में 20 शोज में 66 गई आफ्टरनून की एंड 68 गई इवनिंग की, जो कि पुणे में भाई 34 गई थी 5th ऑफ फ्राइडे के दिन, ऑलमोस्ट डबल जंप है भाई, क्या कहती है भाई पब्लिक, आज डबल।
एंड देखो भाई वो फ्राइडे का था, और वो फ्राइडे था बट क्वेश्चन भाई उसने ठीक ठाक किया था उस दिन, और आज भी कुछ उसी तरह दिख रहा है, इसलिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो बात करते हैं भाई बेंगलोर की। तो बेंगलोर में भाई 5 शो में 86 गई यहाँ पे आफ्टरनून की, एंड 60 गई इवनिंग की, जो कि उस दिन 12 शो थे और 38 गई थी यहाँ पे इवनिंग की। यार ड्रॉप हुई है यहाँ पे, शोज काफ़ी गिरी है। हाँ कमेंट से आपको जंप दिख रही होगी बट क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं है कंपैरिजन टू फिफ्थ ऑफ फ्राइडे। हैदराबाद में 12 शोज भाई, उस दिन भी 12 ही थी। आज 67 गई आफ्टरनून की एंड 38 गई भाई इवनिंग की, जो कि उस दिन भाई 10 गई थी इवनिंग की। भाई कंपैरिजन फ्राइडे भाई बिग जंप है गाइस, वो देखने को मिला दो तीन दिन गुना। एंड अहमदाबाद में 47 जो कि उस दिन थे भाई 71 शोज, अहमदाबाद में शोज गिरे हैं। एंड 27 गई आफ्टरनून की और 49 गई इवनिंग की। आज की जो कि उस दिन गई थी 47, बट उस दिन भाई शोज काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए अहमदाबाद में कंपैरिजन टू यहाँ पे 6th ऑफ संडे टू फ्राइडे, 5th ऑफ भाई 5th ऑफ फ्राइडे को इसमें ज़्यादा क्वेश्चन निकाला था अहमदाबाद के अंदर। चेन्नई में भाई आज शोज केवल 3 है, तो 80% गई यहाँ पे आफ्टरनून की और 85 गई इवनिंग की। मैंने आप सभी को इससे वाले पहले वाले एपिसोड में स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे कि भाई वो चेन्नई वाले सारे के सारे शोज है भाई हाउसफुल चल रहे हैं, और ऑक्युपेंसी देखो 80 से ज़्यादा ही आ रही है। और सूरत में 37 शोज में 42 आई आफ्टरनून की एंड 42 ही गई भाई इवनिंग की, क्योंकि उस दिन भाई 38 में 91 गई थी। पिछले 3-4 दिन उठा के देखोगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई है और यहाँ पर भाई दिख भी रही है। तो बात करें भाई लखनऊ की, तो 23 शोज हैं, 49 गई आफ्टरनून की एंड 74 गई भाई सब इवनिंग की। यहाँ पे बिग जंप है गाइस वो देखने को मिला है कंपैरिजन टू फिफ्थ ऑफ फ्राइडे। तो भाई सारी टोटली ऑक्युपेंसी देखिए थिएटर भाई एंड सिटी भाई, तो कंपैरिजन टू फिफ्थ ऑफ फ्राइडे आज बिग जंप है गाइस वो देखने को मिल रहा है, जो कि उस दिन क्या था 1.05 करोड़ क्वेश्चन, जो गाइस आज मुझे दिख रहा है भाई 1.20 करोड़ के आसपास क्वेश्चन है गाइस आज हमें ये करती हुई नजर है वो आ रही है अपने 6th ऑफ संडे को। और गाइस अगर इतना कर दिया तो इसका हो जाएगा 519.70 करोड़, ये कर लेगी अपने डे नंबर 38 तक, जो कि कंपैरिजन टू भाई पठान से ही आगे हैं भाई डे नंबर, अगर मैं 38 तक की बात करूं, जो कि भाई उन्होंने उस टाइम पे ऑफर लाया था यहाँ पे पठान वालों ने, यानी यश राज फिल्म्स वालों ने, जो कि गाइस अभी यार मेरे ख्याल में मेकर्स ने आज कुछ अनाउंसमेंट कर लेने चाहिए थे कुछ यहाँ पे एक के साथ एक फ्री वाला कुछ, क्योंकि अभी वर्किंग डे स्टार्ट हो रहे हैं। बट गाइस इन्होंने ऐसा नहीं किया है, अगर नहीं करें ऐसा तो इसका मतलब कल फिर से बिग ड्रॉप है गाइस हमें देखने को मिलेगा। एंड कल भाई पोस्टर भी आ सकता है, क्योंकि वीकेंड ये अपना 6th समाप्त कर रही है, जो कि 5th वीकेंड के बाद इन्होंने भाई पोस्टर दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि भाई कल मंडे को 10:30 से 11 बजे के बीच में जरूर पोस्टर आ सकता है। एंड देखते हैं अगर आएगा तो भाई 519.70 का आएगा, 519.60 का आएगा, या फिर डायरेक्टली भाई 520 का आएगा। आपको क्या लगता है भाई कितना का आ सकता है अगर देंगे मेकर्स? तो भाई ये रही डे नंबर 38 तक की रिपोर्ट। बात करते हैं भाई कल टुमारो डे नंबर 39 की। देखो शोज मुझे कुछ कुछ प्लेसेस में ड्रॉप दिख रहे हैं कंपैरिजन संडे टू मंडे, और एडवांस भाई काफ़ी कम है, 3 लाख से भी कम है। एंड क्वेश्चन भाई कल 40 लाख से भी हमें नीचे आता हुआ नजर है वो आ सकता है। बाकी गाइज हम सुबह 8 से लेकर 8:30 बजे के बीच में डिस्कशन कर लेंगे, इसके बाद फाइनल शोज हैं गाइज वो कितने रहते हैं एंड साथ में फाइनल एडवांस बुकिंग। तो फिलहाल गाइज अभी के लिए तो इतना ही, एंड आई होप कि आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बाकी गाइज क्या लगता है भाई, अब तो लगभग भाई 30-40 लाखों में क्वेश्चन आ चुका है, यानी 50 लाख से भाई नीचे गिर चुका है, लाखों में तो कब का आया है। तो अब लाइफ टाइम कहाँ पर ये फिनिश है गाइज वो कर सकती है, और कितने दिन भाई थिएटर तक टिक सकती है? देखो अभी अगले हफ्ते में 1-2 मूवीज आ रही है, एंड उसके बाद 28 सितंबर को भी भाई 2-3 मूवीज आ रही हैं, तो समझ लो कि अब शोज गए। अब जो है भाई वही ये 3-4 दिन वर्किंग डेज हैं, थोड़े शोज बच जाएंगे फ्राइडे के दिन भाई, तो सैटरडे संडे निकाल देगी ये 7th ऑफ वीकेंड। एंड नेक्स्ट गए फिर 28 सितंबर के बाद, तो समझ लो कि भाई सारे के सारे शो टोटली चले जाएंगे। हाँ थोड़े बहुत रहेंगे शोज, डायरेक्टली नहीं जाएंगे, बट फिर वो शोज ऐसे ना के बराबर ही रहेंगे। इसलिए अभी कुछ मेकर्स करते हैं भाई कुछ ऑफर लाते तो शायद मूवी को यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता था, थोड़ा और क्वेश्चन का इसमें निकाल सकती थी, बट मेकर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं। मूवी तो यार ऑलरेडी इतने ज़्यादा प्रॉफिट में जा रही है, फिर यार आप इतना कंजूसी वाई, यार क्या रीज़न हो सकता है? तो देखते हैं भाई, फिलहाल गाइस अभी के लिए तो इतना ही, एंड आई होप कि आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब क्या कर रहे हो यार, जल्दी से करो सब्सक्राइब। बाकी गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।